कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इस इकरार इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफ़ी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहाँ की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आम तौर से जब मुल्क आज़ाद होते हैं काफ़ी परेशानियों मुसीबतों खूनरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफ़ी ऐसी खूनरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफ देह होती है। फिर भी हम आज़ाद हुए बामन तरीकों से शांतिमय तरीकों से और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आज़ाद हम हुए लेकिन आज़ादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं, उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से उसको एक असल बनाना है। मुल्क को आज़ाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ, जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आज़ादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हों और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हों उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कितने बड़े सवाल पुराने जमाने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे। ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली, और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है जो इस वक्त और परेशानियां और बोझे हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान में कैसा मुल्क है। अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं कि किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म मजहबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं, हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आज़ादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे
और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे चाहे कोई हो, अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते।